हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे सामने प्रेजेंट है होंडा की ऑल न्यू सिटी 110 सीसी ड्रीम डिलक्स 2023 मॉडल, जिसे होंडा कंपनी ने E20 अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ये जो गाड़ी है अपने नज़दीकी शोरूम सिरसा मुंडा धमतरी में अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आप धमतरी या फिर धमतरी के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो तो आप इस शोरूम में डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में इस गाड़ी के डिटेल में बात करेंगे, इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन फीचर माइलेज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक की बात करें तो गाड़ी का जो फ्रंट लुक है बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ने इस गाड़ी के फ्रंट वाइजर पर होंडा को मेंशन किया है। और इस गाड़ी के फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हैलोजन बल्ब का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, जो कि चाबी ऑन होते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। दोस्तों हेडलाइट की विजिबिलिटी आपको नाइट में बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर होंडा कंपनी ने हैलोजन बल्ब का सेटअप वाले इंडिकेटर यूज़ किया, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जो कि ब्लिंक करते हुए काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। इसे अपन बंद कर लेते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के फ्रंट में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के देखने को मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसी के साथ दोस्तों आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए मिल जाते हैं। गाइज इस गाड़ी का जो फ्रंट मडगार्ड है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी शाइनी लगता है, जो कि कुछ ऐसा भी दिखता है। यहाँ पर दोस्तों गाड़ी के फ्रंट में 130 एमएम का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पर काम करता है। साथ में 18 इंच के सिल्वर कलर की फिनिशिंग में एलाइविस देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के फ्रंट में TVS कंपनी का 8018 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिल जाता है। सो गाइज ये सभी फीचर्स इस गाड़ी के फ्रंट में आपको देखने को मिलता है। गाइज मैं आपको इस गाड़ी का बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का जो बैक प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस गाड़ी का जो टेल लैंप है वो आपको हैलोजन बल्ब के सेटअप में देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि ब्लिंक करते हुए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। पिछले नंबर प्लेट के लिए आपको जगह देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के रियर में आपको फ्रंट वाला इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब के सेटअप में। दोस्तों इस गाड़ी का जो ग्रैबरेल है वो आपको पूरी तरीके से क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाता है। मेटल की बॉडी का यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश में इसका ग्रैबरेल देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। गाइज इस गाड़ी की सीट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको दो लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और लंबी सीट मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी का जो टेल लैंप है उसके ऊपर पैनल में कंपनी ने कार्बन फाइबर टेक्सचर का यूज़ किया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। गाइज इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात करें तो गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कंपनी ने होंडा को मेंशन किया है। साथ में दोस्तों इस गाड़ी में आपको ऑल न्यू ग्राफिक्स का वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव भी लगता है। जी हाँ गाइस, इसका लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत इस गाड़ी को कंपनी ने बनाया है। गाइस इस गाड़ी का जो साइड पैनल है उसमें CD110 ड्रीम डिलक्स को कंपनी ने मेंशन किया है। साथ में आपको नए ग्राफिक्स का वर्क भी देखने को मिल जाता है। सीट कवर के ऊपर में आपको नए ग्राफिक्स का वर्क देखने को मिलता है। और इसी के साथ में सीट ओपन करने के लिए चाबी का सेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इस गाड़ी की सीट को इजिली ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों गाड़ी में आपको फोल्डेबल पिलियन फुटरेस्ट मिल जाता है, लेडी फुटरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी के रियर में कुछ इस तरीके से आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है। दोस्तों इस गाड़ी में जो चैन सेटअप है वो आपको फाइबर की बॉडी से देखने को मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। जी हाँ गाइस, और गाड़ी के रियर टायर की बात करें तो यहाँ पर आपको 8018 सेक्शन का TVS कंपनी का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों इस गाड़ी के रियर में आपको 18 इंच के सिल्वर कलर की फिनिशिंग में आपको इसका एलाइविस भी आपको देखने को मिल जाता है। मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे इसका एलाइविस आपको देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के रियर में 130 एमएम का ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कंपनी ने मैट ब्लैक कलर का यूज़ किया है। दोस्तों इस गाड़ी की साइलेंसर पर यहाँ पर आपको कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, और साइलेंसर के ऊपर कंपनी ने क्रोम के मफलर का यूज़ किया है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ गाइज, इस गाड़ी में आपको ESP की टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको इनहेंस्ड स्मार्ट पावर की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी के सबसे पावरफुल पार्ट, वह है इस गाड़ी का इंजन। दोस्तों इस गाड़ी में 110.9 cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SIPS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 8.16 PS का मैक्सिमम पावर देता है 7250 RPM पर, और 8.70 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है 5750 RPM पर। दोस्तों इस गाड़ी में आपको पावर और पिकअप बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, जो कि राइडिंग के टाइम आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल कर देने वाली है। दोस्तों इस गाड़ी में टोटल 4 गियर देखने को मिल जाते हैं, सभी गियर पीछे के साइड लगते हैं और सामने में इसका न्यूट्रल लग जाता है।
दोस्तों इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो साइड स्टैंड पर इंजन कटअप का फीचर्स कंपनी लगा करके दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जी हाँ गाइज, अब बात करते हैं इस गाड़ी के हैंडल्स की। तो इस गाड़ी में आपको सिंगल पीस में इसका हैंडल देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस गाड़ी का जो हैंडल वो आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाते हैं। फीचर्स बटन की बात करें तो गाड़ी के लेफ्ट हैंडल बार पर आपको हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स के लिए स्विच मिल जाता है, और आपको सिंगल हॉर्न के लिए स्विच मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हॉर्न का आवाज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। गाड़ी के राइट हैंडल बार की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी के राइट हैंडल बार पर आपको डेडिकेटेड रेड कलर में इंजन स्टार्ट करने के लिए सेल्फ का स्विच मिल जाता है, और इंजन के लिए स्विच भी आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में साइलेंट स्टार्ट का फीचर देखने को मिलता है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से गाड़ी जो साइलेंट स्टार्ट हो जाती है, अपन इसे बंद भी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी के मीटर कंसोल की बात करें तो इस गाड़ी में एनालॉग मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के लेफ्ट साइड में आपका स्पीड शो करता है, किलोमीटर की रीडिंग शो करता है, यहाँ होंडा की बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको न्यूट्रल के लिए इंडिकेशन मिल जाता है, इंजन चेकर के लिए इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स के लिए इंडिकेशन मिल जाता है, और हाई बीम और लो बीम के लिए इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। साथ में दोस्तों ऊपर में आपको फ्यूल गेज इफिशियंसी भी आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज ये सभी फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइज इस गाड़ी के माइलेज के बारे में बात करूँ तो ये जो गाड़ी है आपको आराम से 1 लीटर में 70 से 75 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल करके दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर कि आप इस गाड़ी को किस तरह से राइड करते हो। दोस्तों डायमेंशन के बारे में बात करूँ तो 109 kg इस गाड़ी का कर्व वेट है, 155 mm इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, 1300 mm इस गाड़ी का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है, 770 mm इस गाड़ी में आपको सीट है देखने को मिल जाता है। गाइज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा श्री श्याम होंडा धमतरी के ऑनर श्री मितेश अग्रवाल सर का, जिन्होंने मुझे इस गाड़ी का रिव्यू करने के लिए परमिशन दिया। दोस्तों अगर आप धमतरी या फिर धमतरी के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो और आप होंडा कंपनी की कोई बाइक स्कूटर परचेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों इस शोरूम में होंडा कंपनी की सभी बाइक्स और स्कूटर हमेशा अवेलेबल रहती है। दोस्तों आप बिना किसी झिझक के इस शोरूम में डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।